भैया एक प्लेट देना। चाचा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, सबका फॉर्म आने में और पिच कंडीशन। कभी कभार लाइफ में हार मान लेनी पड़ती है, पर जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं विक्रांत गुप्ता। कल जीते थे, कल एक बार फिर जीतना है। वनडे सीरीज भारत हार गया, लेकिन आखिरी मैच जो है वो शायद थोड़ा सा मोमेंटम भारत को देता है, क्योंकि अब T20 का आगाज कल से है। कल दोपहर 1:40 पर ये सीरीज का आगाज होगा, लेकिन भारत जानता है कि कैनबरा में जिस तरह उन्होंने आखिरी वनडे मैच जीता है वो आपका हौसला बढ़ाता है। साथ ही साथ ये ना भूलें कि अगले साल वर्ल्ड कप की आपने तैयारी करनी है, वो यहीं से शुरू होगी। मेरे साथ सुनील गावस्कर रहेंगे, सिडनी से लाइव रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि उनसे बातचीत करें, फटाफट देखें कि आज खास क्या है। क्यों हम कह रहे हैं कि भले भारत T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर मजबूत टीम है। हालांकि इस साल उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस साल वो हारे ज़्यादा हैं जीते कम हैं। भारत हारा ही नहीं है, भारत अजय है T20s में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए झटका यह है कि वार्नर नहीं है, स्टॉइनिस नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। देखना यह है कि जो कल जीत मिली थी उससे भारत कल क्या कर सकता है। तो सनी भाई हैं सिडनी से लाइव। सनी भाई, शायद इस मैच से पहले, जो कल भारत ने जीता, इस मैच से पहले तो लग रहा था कि ये दौरा बड़ा लंबा है, लेकिन अचानक से जब एक जीत आ जाती है वो ये कहती है कि एक और आ सकती है। कल की जीत क्या भारत को कल मदद करेगी, हालांकि ये फॉर्मेट बदल जाता है? देखिए, जीत से टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और T20 क्रिकेट अभी अभी IPL खेलकर आए तो बड़े अच्छे फॉर्म में है, बड़े अच्छे T20 के प्रैक्टिस में। मैं तो ये चाहता था कि ये इस टूर की शुरुआत अगर T20 से ही होती, क्योंकि अभी अभी हम T20 IPL खेलकर आए थे, तो एक मतलब एक जो बैट स्पीड होती है, एक जो एक रिदम बनता है गेम का, वो पूरी तरह से हमारे पास था। तो 50 ओवर की मैच होती है तो उसमें थोड़ा सा आपकी गेम प्लान बदलनी पड़ती है, आपका जो बैट स्पीड होता है, आपकी बॉलिंग की जो वेरिएशन होती है, वो सब बदलनी पड़ती है। पर अब ये जीत के बाद में T20 के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो हमारी टीम है बहुत अच्छी टीम है। पहले दो मैचेस में हार गई, वो तो होता है क्रिकेट में, और खास करके लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम भी है, अच्छी टीम भी है, और किसी भी टीम को अवे जाकर मतलब उनके होम कंडीशंस में उनके खिलाफ जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। सर भाई, लेकिन सवाल ये आता है कि भले इस ऑस्ट्रेलियन टीम में डेविड वार्नर नहीं है, और डेविड वार्नर का होना मतलब ऊपर जगह खाली हो जाती है, स्टॉइनिस नहीं है, एक ऐसा ऑलराउंडर जो गेंद भी करता है बैटिंग भी करता है, पैट कमिंस नहीं है, भले ही वो वनडे सीरीज में इतने कामयाब नहीं थे, लेकिन इन तीनों का ना होना ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या लेकर आता है? क्योंकि T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तीनों अलग लेवल पर खेलते हैं। जी हाँ, क्योंकि फेवरेट्स इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्होंने ये वनडे सीरीज जीती है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बड़ा ऊपर का होगा। पर डेविड वार्नर है नहीं, डेविड वार्नर जो उनको बड़ी तेजी तेजी की शुरुआत करके देते हैं वो है नहीं, और इसीलिए शायद उनको भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। पर मैं समझता हूँ कि अब भारतीय टीम ने इस जीत के बाद में जो भी कुछ सीखा होगा उनकी बॉलिंग अटैक के बारे में, उनकी फील्ड प्लेसिंग के बारे में, जिस तरह से पहले 5-7 ओवर में बल्लेबाजी करनी चाहिए 2020 क्रिकेट के लिए, और जहां पे शिखर धवन बड़े अच्छे फॉर्म में थे, इस बार IPL में दो लगातार उन्होंने शतक लगाए, तो वो उनके लिए, मैं समझता हूँ वो ये फॉर्मेट है, T20 का फॉर्मेट उनके लिए उनका पसंदीदा फॉर्मेट है, तो वो अगर चले, और मयंक अग्रवाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, राहुल भी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम वैसे मजबूत है और ये T20 श्रृंखला जीत सकती है। सही बात है, हालांकि मयंक अग्रवाल शायद सनी भाई कल नहीं खेलेंगे, KL राहुल और शिखर धवन से आप ओपन कराना चाहेंगे, लेकिन चूंकि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो मैं चाहता था ये आपसे सवाल पूछूं। आपने फॉलो किया होगा रोहित शर्मा और उनकी चोट को लेकर जो विवाद चल रहा था, ये भारत की 11 है, खैर मेरे ख्याल से तो कल KL राहुल और शिखर धवन ओपन करेंगे, विराट 3 खेलेंगे, श्रेयस अय्यर 4, हार्दिक पांड्या 5, उसके बाद मनीष पांडे की बात आती है, और फिर आपके 5 गेंदबाज हैं। लेकिन सनी भाई, मैं रोहित शर्मा पर आपको लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि ये पिछले 15 दिन में विवाद इतना बड़ा हो गया, अब उसके बाद ये कहा गया कि अब उनकी जो फिटनेस असेसमेंट है वो 11 दिसंबर को होगी NCA में। फर्ज कीजिए
वो अगर फिट दिखते हैं आपको तो आप उनको क्वारंटीन कराने के लिए भेज देंगे और उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म होगा शायद दूसरे टेस्ट मैच से हफ्ता पहले, तीसरे टेस्ट मैच से हफ्ता पहले आप उम्मीद करेंगे जी वो तीसरा टेस्ट मैच हफ्ते पर खेल लें। क्या आपको लगता है कि ये फिटनेस असेसमेंट अगर आप कुछ दिन पहले ले लें और वही तीन चार दिन की प्रैक्टिस पे आप उनको दूसरे टेस्ट मैच का रिस्क ले लेते? देखिए मैं सिर्फ देखिए वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम के लिए, जिस तरह से उनके बल्ले से हमें शुरुआत मिलती है वनडे क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, अब ओपनर जब हुए पिछले साल तो जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी ओपनिंग की है, तो उनकी टीम में होना बड़ा जरूरी है। और इसलिए मेरा तो एक सिर्फ एक ही सवाल है कि ये जो 11 तारीख को मैं पढ़ता हूँ पेपर कि 11 दिसंबर को उनकी फाइनल असेसमेंट होनी है, वो 8 दिसंबर को क्यों नहीं? अगर आप 11 को असेसमेंट करेंगे तो फिर वो दूसरी टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे। 8 और 11 ये 2-3 दिनों में क्या फर्क पड़ने वाला है उनकी कंडीशन में कि आप कह सकते कि हाँ ना ना हाँ? अगर 8 को वो अनफिट होंगे तो 11 को भी अनफिट होंगे बिल्कुल, पर अगर 8 को वो फिट हो सकते हैं तो फिर उनका 14 दिन का जो क्वारंटीन है वो 22 को खत्म होगा, उसी रात को अगर वो निकले, और वो 26 के मैच के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, यानी कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए 14 दिन की क्वारंटीन। और अभी मैं भी वही कर रहा हूँ, क्वारंटीन सिडनी में कर रहा हूँ, और मतलब आप अपने कमरे में कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैटिंग का जो एक पेंडुलम स्विंग होता है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको मैं नहीं मानता हूं कि उनको एक मैच खेलनी चाहिए कि नेट में उनको जब बहुत सारे घंटे बिताने चाहिए जिसके बाद में वो रन बना सकते हैं। उनके पास एक मतलब टाइमिंग होती है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए, तो मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को उनकी असेसमेंट करें और उसके बाद में आप उनको दूसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। नहीं लेकिन सनी भाई अगेन क्या इतना आसान होता है? हम तो सुनते हैं जी ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल है, वहां जाकर आपको पहले बाउंस को यूज्ड होने के लिए वक्त चाहिए, फिर टेस्ट मैच है। क्या इतना आसान होगा कि वो गए 22-23 को पहुंच गए और 3 दिन की बिना पर वो दूसरा टेस्ट मैच आप उनको खिला देंगे अगर 8 तारीख को उनकी असेसमेंट होती तो? हाँ क्यों नहीं, देखिए वो नए खिलाड़ी थोड़ी है, वो एक बड़े अनुभवी खिलाड़ी है और अनुभवी खिलाड़ी को ये जरूरी नहीं कि अच्छा मानो वो 3 दिन का मैच खेले इसके बीच में, 3 दिन के मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए, तो क्या आप उनको मैच में आप टेस्ट मैच में नहीं खिलाएंगे? आप टेस्ट मैच तो खिलाएंगे ना, तो अगर मैच ही नहीं खेले मानो और सिर्फ 2 दिन की उन्होंने प्रैक्टिस की, नेट प्रैक्टिस की, 24-25 की प्रैक्टिस की, 26 की सुबह में जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ी सी मतलब ट्रेनिंग की, फिजिकल कंडीशनिंग की बाहर निकल कर, तो क्या वो फिट नहीं हो सकते टेस्ट मैच खेलने के लिए? नहीं ये बड़ी बात है। सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा को आपको ऑस्ट्रेलिया भेजने के बारे में आप सोच ही रहे हैं तो 11 को क्यों? लेकिन आपको क्रिकेट के लिए क्या करना है, आपको हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आना है, बस अब से ठीक 5 मिनट बाद स्पोर्ट्स तक पर हम चर्चा करेंगे कल होने वाले T20 मुकाबले की। फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए।